और तो मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिया। हर 5 साल के चुनाव के दौरान सारे नेताओं की संपत्ति सार्वजनिक होती है। कई नेताओं की संपत्ति में इजाफा होता है तो कुछ के शपथ पत्रों में पैसों की कमी दिखती है। सब अपना अपना इन्वेस्टमेंट बताते हैं तो हम आपको बताने जा रहे हैं संपत्ति के कॉलम से कुछ रोचक जानकारियाँ। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में कई बड़े नेताओं के शपथ पत्रों से उनके निवेश के रोचक तथ्य उजागर हुए हैं। कुछ नेताओं ने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है तो कुछ ने टैक्स फ्री बॉन्ड कर रखा है। कोई म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में भी अपना पैसा लगाया हुआ है। मुकेश और अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप में भी कई नेताओं ने अपना पैसा निवेश कर रखा है। पीएम मोदी ने ना तो स्टॉक मार्केट में निवेश किया है और ना ही म्यूचुअल फंड में, वो तो अपना निवेश बचत बैंक, टैक्स फ्री बॉन्ड आदि में कर रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देखा जाए तो वो हमेशा अंबानी ग्रुप के अगेंस्ट बोलते नजर आते हैं, लेकिन उनकी मां सोनिया गांधी ने अनिल अंबानी ग्रुप के रिलायंस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है। बात करें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तो उन्होंने भी अंबानी बंधुओं की कंपनी में निवेश किया हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने अपनी कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड में इक्विटी के साथ और भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। वहीं अगर बात करें सांसद पूनम महाजन की तो उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस सहित कई कंपनी में उन्होंने शेयर लिए हुए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।